प्रहलाद जी को विष्णु भक्ति कैसे प्राप्त हुई? दैत्यराज हिरण्यकश्यप और पतिव्रता कयाधु की संतान थे प्रहलाद जी। गर्भावस्था और बचपन में मिले संस्कारों के कारण ही उनके अंदर विष्णु भक्ति जागृत हुई। कहते हैं, जब हिरण्यकश्यप वन में तपस्या करने के लिए चला गया, तब पीछे से उसकी राजधानी पर इंद्र ने आक्रमण किया और उनकी पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले जाने लगी। तब मार्ग में नारद जी ने यह दृश्य देखा तो इंद्र को फटकारा कि मूर्ख, इस पतिव्रता के गर्भ से विष्णु भक्त बालक पैदा होगा। तब इंद्र ने कयाधु को मुक्त कर दिया और नारद जी कयाधु को अपने आश्रम ले गए। आश्रम में गर्भावस्था के दौरान सात्विक वातावरण, धार्मिक बातों को सुनने से अभिमन्यु के समान प्रहलाद जी ने विष्णु भक्ति जानी पहचानी। बचपन के अभ्यास, भगवान की कृपा और नारद जी का उपदेश सुनने से बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। अपनी राजधानी लौटने तक बालक प्रहलाद को विष्णु भक्ति का रंग पूरी तरह चढ़ चुका था। यही होते हैं बचपन के संस्कार, जो जीवन भर रहते हैं। संस्कार अच्छे मिलने पर माता पिता के बुरे गुण संतान में हावी नहीं होते हैं, यह सत्यता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।